बृहस्पति दिन भोरे जनकपुर धाम के साबिक के अंचल अस्पताल आ एखनुक प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में विशेष सरसफाई भल बाढ़ से गर्दा सफाई सामान्य होते यद्यपि बृहस्पति दिन सर्फ आ पानी से भोरे भोरे अस्पताल के गली सब सफाई भल दृश्य देखला के बाद सर्वसाधारण के कोनो VIP तो नहीं आबि शंका लागल छल। भेल वह किछे समय के बाद प्रदेश सांसद दीपेंद्र ठाकुर सहित दलबल के साथ अस्पताल में पहुँचली संबंधित क्षेत्र से नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद जूली महतो। एक दिस अस्पताल संचालन के जिम्मा पौने मदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह सहित के चिकित्सक सबके टीम सांसद महतो के अस्पताल के विभिन्न वार्ड सबके भ्रमण अवलोकन कराब रहल छलें। तो दोसर दिस अपन टेलीविजन के जिज्ञासा में बीमार आ बीमार के कुरुआ सब अस्पताल में सेवा सुविधा व्यवस्थित नहीं रहल उहे पुराने उपराग व्यक्त कर रहल छलें। और बेला आउँदा खेरि यस्तै फोहोर छ हुन्छ हैन, मन्त्रीहरु आउँदा खेरि सरसफाई ध्यान दिनुहुन्छ, उहाँहरुले यस्तै सधैँभरि ध्यान दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ हाम्रो पब्लिकको लागि। 16-17 दिनमा खासै अत सरसफाईकै नै देखलियै, लेकिन आइ देख रहल छी बहुत खुशी लागि रहल है कि नयाँ योजना त आबि रहल छै, सरसफाई भऽ रहल छै, कुछ बेहतर काज शौचालयके कार्य सब शुरू भेलिए, ओहो सब कार्यक्रम देखलिए तऽ नीक लागल। बीमार लक अस्पताल पहुँचल बीमार के अभिभावक वा कही कुरुआ सब विशेष सरसफाई आय मात्रे देख पौने बतौलने ओ सब सरसफाई मात्रे नै बेड में बिछावा वाला बेडशीट समेत जल्दबाजी में किछुए मिनट आगू आबि कऽ बिछा देने स्पष्ट कयलनि। अखन रखल के 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले रखल के हम काल से कथी 2 मिनट पहले रखल गया है, कथी 2 मिनट पहले रखल कथी अनुगमन के क्रम में सांसद महतो के पाछू नमहर भीड़ देख में अब नेता कार्यकर्ता आ विभिन्न तह के जनप्रतिनिधि सब समेत पछाड़ी पछाड़ी दौड़ रहल छल। चिकित्सक सब में समेत विभिन्न वार्ड में जोश जागर में काम कर रहल दृश्य देखा रहल छल। अस्पताल के अनुगमन कयने सांसद महतो अस्पताल में बीमार बीमार के कुरुआ सर्वसाधारण के मात्र नहीं भा चिकित्सक सब आ अस्पताल प्रशासन के समेत बहुते उपराग सब अपना सुनने धारणा रखलन। आफै पनि जनता को प्रतिनिधि भएको भएर त्यही पनि हेर्न आएको र यही नै हामी चाहिँ गन्थन गरिरहेछौँ र उहाँहरूको पनि डक्टरहरूको र मेजरमेन्टको पनि पीडा बुझ्यौँ र बिरामीको पनि पीडा बुझ्यौँ, दुइटैको यहाँ पीडा छ। उहाँहरूसँग जनशक्ति र भएसम्मको भौतिक संरचना छैन र हाम्रो बिरामीहरूले चाहेको सुविधा पाउन सकेको छैन। किछ बिरामी आहुनक अभिभावक के उपराग सुनके व्यवस्था मिलाल गेल छल त अस्पताल प्रशासन के दरबंदी अभाव जनशक्ति के कमी स्रोत आ साधन तथा भवन के अभाव सहितक बहुते उपराग सब सांसद महतो समक्ष सहजे पुगल छल। किएक त सांसद महतो चिकित्सक आ अस्पताल प्रशासन के घेरा बीच अस्पताल के अनुगमन करित छली। 100 बेड को हिसाब ले भौतिक संरचना देखि लिएर स्टाफ को दरबंदी तलबहरु त्यति मात्र उ गरिएको छ र हामीले विकास समिति मार्फत 300 बेड चलाइरहेका छौ जेन तेन। अब यहाँ सबभन्दा ठूलो समस्या इन्फ्रास्ट्रक्चर को समस्या रहेको छ। अब जबसम्म यहाँ का भौतिक संरचनाहरु बिल्डिङहरु राम्रो हुँदैन र हामीले धेरै पहिलादेखि नै यहाँ यसलाई कमसेकम 1000 बेड को हस्पिटल जबसम्म बनाउँदैन यो समस्याहरु यथावत रहिरहन्छ। र समस्या के छ भने फोहोर को पनि देख्नुभयो यता वेस्ट डिस्पोजल को हामीले आफ्नो तर्फबाट गरिरहेका छौँ तर यो चारैतिर जुन अस्पताल को वरिपरि छ र यहाँबाट निस्किने फोहोर पाइपहरु सबै नाला ड्रेनेजहरु बन्द भएको हुनाले सबै फर्केर फेरि हस्पिटलतिर आउने यो मेन समस्या यो रहेको छ। सेवाग्राही सब अस्पतालमै सरल सहज आ सुलभ सेवा नै पाइब रहल छ कि उपराग व्यक्त कर रहल छ। अस्पताल प्रशासन 100 सैया के मातृ अस्पताल के 500 सैया के अस्पताल धरि नहीं पहुँचाव धरि बीमार के चाप के सहज करके अवस्था नहीं रहल बतबैत अछि। मुदा प्रश्न ई अछि जे जनता वा सेवाग्राही के
वा बीमार के 100 शैया से 500 शैया के अस्पताल आवश्यक है कि एखन रहल शैया में प्राप्त भ रहल सेवा सुविधा आ इलाज ये मुख्य प्रश्न है। देश में सबसे बेसी प्रसूति होबे वाला दोसर अस्पताल के रूप में रहल जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल में दैनिक 1000 ओपीडी पुर्जा कटा के बीमार अबैत कमती में 50 शिशु के जन्म होते मुदा उ 1000 ओपीडी के पुर्जा कटौने अधिकांश बीमार सब बिचौलिया के सुझाव अनुसार निजी क्लिनिक में जाकर थप उपचार कराब बाध्य भ रहा है आ हजारों लाखों रुपया खर्च कर रहा है। एखन धरि नाम के लिए मात्र साबित होत जा रहल जनप्रतिनिधि सब के एहन अनुगमन आगामी दिन में सार्थक साबित हो आ कार्यान्वयन पक्ष समेत चुस्त दुरुस्त हो आ जनता के लाभ भेटे से कामना बाहेक एखन किछ निकाल जा सके। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह जनकपुर धाम।